नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता और चलिए न्यूज एट फोर की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में बाहुबलियों के खिलाफ ऑपरेशन माफिया जारी है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ प्राधिकरण ने एक और कार्रवाई की है। आपको बताएं, पूर्व सांसद के कब्जे से 300 वर्ग गज जमीन खाली कराई गई। अतीक अहमद का इस सरकारी जमीन पर बरसों से कब्जा था। यह जमीन शहर के चकिया इलाके में अतीक अहमद के दफ्तर के पास थी। अब इस जमीन पर अतीक के जब पशु बांधे जाते थे उसका अवैध कब्जा हुआ करता था, लेकिन इसे खाली करा करके सरकारी जमीन का बोर्ड लगा दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि अच्छी खासी जमीन पर अपने शौक के लिए अस्तबल बनाया था अतीक ने, जहां उसके घोड़े रहते थे और उसके पालतू जानवर रहते थे। आज ये जो कार्रवाई हो रही है, यह नजूल भूमि पर अवैध कब्जा है और इसको इसमें जो लेसी है उनका पट्टा पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है और लीज एक्सपायर हो गई है और इस पर अतीक अहमद माफिया जान अतीक अहमद का कब्जा है और इसका क्षेत्रफल लगभग 4000 स्क्वायर मीटर के लगभग है, जिसको आज खाली कराया जा रहा है और सरकार ने इसको ईवीएम चुनाव के लिए जो ईवीएम वोटिंग मशीन होती है उसके भंडारण के लिए, उसके रखे जाने के लिए गोडाउन के रूप में इसको सरकार ने दे दिया है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी मोहम्मद मोइन से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मोइन, ये बताइए कि तस्वीरें आ चुकी हैं कि किस तरह से अपने शौक के लिए अस्तबल और तमाम चीजों को इस जमीन पर इसने बना के रखा था, शांतिपूर्वक तरीके से इसे हटाया जा चुका है? जी बिल्कुल, जो कार्रवाई चल रही है वो सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से खत्म हो गई है। कार्रवाई पूरा होने में सिर्फ एक घंटे के आसपास का समय लगा है। तकरीबन 4000 स्क्वायर मीटर की ये जगह थी और अब जो जिला प्रशासन ने तय किया है कि जो चुनाव आयोग है उसको ईवीएम या जो दूसरे वीवीपैट मशीनें होती हैं उसका स्टोरेज बनाए जाने के लिए ये जगह उस चुनाव आयोग की दी जाएगी। पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस मामले में प्रस्ताव पास किया था। दरअसल एक दूसरी जमीन थी जिसके लिए प्रस्ताव पास किया गया था, वो जगह कम पड़ रही थी इसलिए उससे नजदीक की ये जगह खाली करा करके ये जगह भी चुनाव आयोग को दी जाएगी। तो कार्रवाई दोपहर करीब 2 बजे के आसपास शुरू हुई पर एक घंटे में खत्म हो गई। सब कुछ शांतिपूर्वक रहा और जमीन जो है जिस पर बाहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार का कब्जा बरसों से था वो अब सरकार का कब्जा उस पर हो गया है, वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया है। चलिए मोइन, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एक घंटे के भीतर बरसों का ये कब्जा किस तरह से खाली करा के सरकारी जमीन सरकार को वापस मिल गई। ईवीएम मशीन को स्टोर करने के लिए गोडाउन बनाना है, गोदाम बनाना है, वो इसी जमीन पर बनेगा। चुनाव आयोग को ये जमीन अब मिल जाएगी, आगे के काम काज को देखेगा वो। बहरहाल ये अवैध कब्जा अतीक अहमद का है, जिसे हटाते हुए आप देख सकते हैं सरकारी बुलडोजर चला है इस पर। तो उत्तर प्रदेश में मिशन माफिया के तहत ऐसी धरपकड़ के अलावा धराशायी बिल्डिंग्स की तस्वीरें भी आप अक्सर देखते ही हैं, जिसमें इस बार तस्वीर आई है प्रयागराज से फिर से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, लखनऊ की खबर मिल रही है जहां फ्लोर मिल में आग से हड़कंप है। मोहनलालगंज में JMP फ्लोर मिल है जिसमें आग लगी है और इसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। देखिए भयंकर आग की तस्वीरें, यहां घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और इस आग से लाखों का नुकसान हुआ होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं 15-20 मिनट से ऐसे ही आग धधक रही थी और ये वक्त काफी होता है आग के फैलने के लिए, जिसके जद में और चीजें भी आती चली गई। भैया आने 15-20 मिनट तो लगी और ये देखिए लखनऊ के मोहनलालगंज से ये फ्लोर मिल है जहां पर ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। भैया आने 15-20 मिनट लगी, लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मोहनलालगंज के JMP फ्लोर मिल की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। गनीमत किसी तरह किसी शख्स को, किसी इंसान को नुकसान नहीं हुआ।
15-20 मिनट तो लगे, बाकी लाखों का नुकसान हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। भैया आने आग के तांडव की तस्वीरें हैं, ये फ्लोर मिल है जहां आग लगने के बाद काफी नुकसान हुआ है। भैया आने 15-20 मिनट। और कानपुर से अगली खबर है, जहां चौकी के सामने खड़ी कार में भीषण आग लग गई। मंधाना चौक के ठीक सामने ये कार खड़ी थी जिसमें कुछ ऐसी आग लगी। तस्वीरें देखिए, बिठूर थाना क्षेत्र के मंधाना चौकी के सामने ये कार खड़ी थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गाड़ी का कुछ समय पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, तब से ये गाड़ी चौकी के सामने ही खड़ी थी। फिलहाल अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने से गाड़ी कुछ समय के अंदर जलकर खाक हो गई। थाने के सामने खड़ी ये गाड़ी कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। ये थाने के सामने ही खड़ी थी। बताया ये जा रहा है कि इसी गाड़ी का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था और मंधाना थाने के सामने खड़ी कार अपने आप आग के हवाले हो गई। ये दोनों तस्वीरें देखिए, जहां आग का कहर ही कहेंगे लखनऊ का मोहन लालगंज फ्लोर मिल हो, चाहे ये कानपुर की तस्वीर। जौनपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 8 लोग घायल हुए हैं और घायलों की बात करें तो उनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर भेजना पड़ा है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। तो ये तस्वीरें जौनपुर की, देखिए किस तरह से दो पक्षों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी चल रही है। और ये झड़प जितनी दिखाई दे रही है उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ा है। उसकी हालत काबू में नहीं आई जौनपुर के अस्पताल से। 8 लोग हैं जो घायल हुए हैं। और देखिए ना, महादेव की नगरी काशी में भगवान की मूर्ति को भी चोरों ने नहीं बख्शा। चोरों ने साईं बाबा मंदिर से चांदी का छत्र चोरी कर लिया। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वाराणसी के चोलापुर में चोरों ने एक ही रात में आधा दर्जन घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोलापुर थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की लगातार वारदातों से तांडव मचा रखा है। तो उस इलाके में रहने वाले लोगों की सोचिए जो अपने घरों को बंद करके सोते हैं, और उनके भीतर ये डर होगा कि जो चोर मंदिर नहीं बख्श रहे वो घरों को क्या छोड़ेंगे। और कानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बर्रा में हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह और उसके साथी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चुराते हुए नजर आ रहे हैं, और चोरी की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ही कैद हुई है। हिस्ट्री शीटर के चोरी का ये वीडियो खूब वायरल है। हिस्ट्री शीटर बलात्कार के मामले में कोर्ट से जमानत पर बाहर हुआ और उसके बाद ये तस्वीरें हैं। ये मामला जरौली फेज 1 इलाके का है। सीतापुर से खबर है, जहां कोल्ड स्टोरेज हादसे में मृतक के परिजनों का हंगामा सामने आया है। मृतक के परिजनों ने NH-24 को जाम करने की कोशिश की है। आपको बताएं, लखनऊ की कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया का रिसाव हुआ। रिसाव के बाद कोल्ड स्टोरेज में तेज धमाका हुआ और इस धमाके में 2 मजदूरों की मौत हो गई, 4 घायल हुए हैं। मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, लेकिन जिन मजदूरों की जान गई है उनके परिजनों ने और गांव वालों ने NH-24 जाम करने की ठानी और कुछ इस तरह से आक्रोश में अपने गांव से, अपने घरों से शव को लेकर निकल पड़े। और उधर वाराणसी के नदेसर इलाके में चाय विक्रेता अशोक गुप्ता को गोली मारने की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। आनन फानन में अशोक को अस्पताल ले जाया गया, जहां अशोक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार असलहे से निकली गोली चाय विक्रेता अशोक के कंधे पर लगी। बताया जा रहा है कि गोली आपसी रंजिश में चली है। ये घटना क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा करती है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये नदेसर में सरस्वती पूजा पंडाल के पास वाली गली के पास एक चाय की दुकान पर एक व्यक्ति जो जिसकी दुकान थी अशोक गुप्ता, उसको 2 लोगों ने गोली मारी है जो कंधे पर लगी है। इनकी हालत स्थिर है, डॉक्टर से बात हो गई है, इनको उपचार कराया जा रहा है। जिन 2 लोगों ने इनको गोली मारी वो इनके परिचित निकल करके आए हैं, इन्होंने उनका नाम भी बता दिया है।
और जो उसके पीछे का कारण है वो हम लोग अभी पता कर रहे हैं। ये दो लोग जो जिनके साथ इनका पहले का भी परिचय था, उठना बैठना था, ये बता रहे हैं कि हम इनको पहले से जानते हैं और उनको हम लोगों ने टीमें लगा करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। मेरठ के सरधना में कांग्रेस की किसान पंचायत, जहां प्रियंका का सरकार पर वार सामने आया है। कृषि कानून आपके लिए नहीं है, ये कहना है प्रियंका का। ये कानून बड़े उद्योगपतियों के लिए है, इस कानून से किसानों का भला नहीं होगा। किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, प्राइवेट मंडियों में एमएसपी नहीं मिलेगी, कुछ समय बाद एमएसपी ही बंद हो जाएगी। ये कानून आपकी भलाई के लिए नहीं, मोदी के खरबपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं। ये सारी बातें निकल के सामने आई इस महापंचायत से, मेरठ की सरधना से, जहां ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रियंका गांधी मंच तक पहुंचती हैं और मंच पर पहुंचने के बाद ये सारी बातें निकल कर सामने आती हैं। ये जो तीन कानून हैं जो मोदी जी देश भर में जाकर कह रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए बने हैं, किसानों के लिए है ये कानून, आज भी शायद बंगाल में यही कहेंगे, ये जो तीन कानून हैं ये क्या आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं या मोदी जी के खरबपति मित्रों के भलाई के लिए बनाए गए हैं? अपनी ही राजधानी के बॉर्डर पर नहीं पहुंच सकते? क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि वो किसानों का आदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार किसानों के लिए नहीं चल रही है, देशवासियों के लिए नहीं चल रही है, उनकी सरकार उद्योगपतियों के लिए चल रही है, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चल रही है। दो मित्र हैं उनके, हम दो, हमारे दो, दो मित्र हैं और दो लोग सरकार चला रहे हैं। और साक्षी महाराज ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीत के दावे किए। नहीं, घुसपैठ तो बहुत पहले से देश में हो रही है और उस घुसपैठ को रोकने के लिए और घुसपैठियों को निकालने के लिए सरकार कानून बना करके लेके आई, उसके लिए बवाल खड़ा हुआ देश भर में। लक्ष्य कुछ है, कहानी कहीं और है। ऐसे विभिन्न राजनीतिक दल संरक्षण देते हैं, उनके संरक्षण के बिना ये घुसपैठ हो ही नहीं सकती, लेकिन मोदी हैं तो निश्चित रूप से इसमें हम कारगर कार्रवाई करने वाले हैं। और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा अयोध्या राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां दिनेश शर्मा राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे। तो रामलला के दर्शन के बाद कनक भवन और हनुमानगढ़ी में भी माथा टेकेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। अयोध्या महोत्सव समापन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं और इस दौरे के दौरान डिप्टी सीएम उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। और बरेली में आईजी के निर्देश पर रेंज के चारों जिलों में ऑपरेशन डंका चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन डंका के तहत 27,000 लोगों के खिलाफ मुचलका जारी किया गया है, साथ ही 283 पर गुंडा एक्ट और 76 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। 599 के खिलाफ अवैध शराब बनाने की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत 10,000 लीटर से अधिक शराब जब्त किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने ये सख्ती बढ़ा दी है। 107-16 की नोटिस हम समय समय पर तामील करते रहे, बहुत बड़ी संख्या में हम उनको पाबंद करने के लिए नोटिस देते हैं, लेकिन वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती। संख्या तो पूरी हो जाती लेकिन वो उसमें 117 के आदेश नहीं निकल पाते हैं कि अगर इस बीच में वो इसका उल्लंघन करेंगे तो हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। तब बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आज देहरादून में कोविड-19 का टीका लगवाने की, जहां इसके साथ हरीश रावत ने सभी लोगों को टीका लगवाने की अपील भी की है। हरीश रावत ने कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाले सभी वैज्ञानिकों, बनाने वाले सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा यह हमारे देश के लिए बड़ी बात है कि हमारे देश में बड़े स्तर पर कोविड-19 वैक्सीनेशन का ये काम चल रहा है, इसीलिए कोविड-19 से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय टीका ही है। इसीलिए आम लोगों को भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और वक्त पर वैक्सीन लगवानी चाहिए। News@4 में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान आपके।